जैसा कि आप लोग जानते हैं कि इस महीने बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त टक्कर चल रही है, ऐसा इससे पहले कभी नहीं देखा गया और एक मूवी ने सबके होश उड़ा कर रख दिए। किसी का भाई किसी की जान ईद के मौके पर रिलीज हुई थी और आज इस फिल्म को 18 दिन हो चुके हैं रिलीज हुए। उसके बाद पोनियन सेल्वन 2 रिलीज हुई जिसने बॉक्स ऑफिस पर आते ही तहलका मचा दिया। इस फिल्म को आज 11 दिन हो चुके हैं रिलीज हुए। फिर इसी रेस में एक और फिल्म यानी गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 ने जगह ली और आते ही इसे सबको पीछे छोड़ दिया। क्या ही बवाल काटा इस मूवी ने आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले एक ऐसी फिल्म जो कंट्रोवर्सी का हिस्सा रही है जिसने आते ही भारत को हिला करके रख दिया और वो कोई और नहीं बल्कि द केरला स्टोरी है। आज हम इन्हीं 4 मूवी के बारे में बात करने वाले हैं कि किस मूवी ने कितना कमाया, यानी किसी का भाई किसी की जान, पोनियन सेल्वन 2, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 और द केरला स्टोरी ने कितना कमाया आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले नेटअरेक 7 न्यूज में आपका स्वागत है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। सुदीप्तो सेन और विभूति शाह की फिल्म द केरला स्टोरी टीजर रिलीज के बाद सही विवादों में घिरना शुरू हो गया। वहीं ट्रेलर के सामने आते ही कोर्ट कचहरी का भी सामना करना पड़ गया। हालांकि भारी बवाल के बीच फिल्म थिएटर्स में रिलीज हुई और शानदार बिजनेस कर रही है। पहले वीकेंड पर केरला स्टोरी ने 35 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया। वहीं सोमवार को भी फिल्म की ठीक ठाक कमाई हो गई। रिपोर्ट के अनुसार द केरला स्टोरी ने 8 मई को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 4.75 करोड़ का नेट कलेक्शन किया। इसके साथ ही फिल्म की कुल कमाई लगभग 40 करोड़ रुपए तक पहुंच चुकी है। सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान बॉक्स ऑफिस पर लुढ़कती हुई नजर आ रही है। पहले वीकेंड पर अच्छा कलेक्शन करने के बाद फिल्म की कमाई लगातार घटती जा रही है। फिल्म को रिलीज हुआ आज 18 दिन हो चुके हैं। रिपोर्ट के अनुसार फिल्म ने अब तक देश भर में 108.56 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया है, जबकि वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करें तो 181.25 करोड़ रुपया हो गया है। 28 अप्रैल को रिलीज हुई ऐश्वर्या राय की फिल्म पोनियन सेल्वन 2 ने लगातार कमाई करती जा रही है। फिल्म का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 300 करोड़ का आंकड़ा पार करने वाला है। वहीं भारत में PS2 ने 150 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। रिपोर्ट के अनुसार PS2 ने अब तक देश भर में 156.16 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है, जबकि दुनिया भर में 294.75 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया है। हॉलीवुड फिल्म गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 को रिलीज हुआ अभी सिर्फ 4 ही दिन हुए हैं, लेकिन फिल्म ने दुनिया भर में छप्पड़ भर कमाई कर ली है। फिल्म ने भारत में 27.97 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है। वहीं गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 ने 4 दिनों में वर्ल्ड वाइड गैलेक्सी की बात करें तो 2300 करोड़ का कलेक्शन पार कर लिया है। आप अभी तक इन 4 मूवीज में कौन कौन सी मूवीज देख चुके हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डेली बॉलीवुड अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।